अगर मैं इसे पीछे से दुलाटी मार दूं, तो इसकी गड्डी और तेजी से छलांगा मारेगी। मुझे क्यों पकड़ लिया? अरे छोड़ो मुझे, उन एलियंस को इंसान चाहिए, गधा नहीं। छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ हमें। मिस्टर चड्डा का पैर जाल से ना छूटा होता तो वो एलियंस मुझे भी ले गए होते। ऊपर वाले ने बचा लिया। दादाजी, क्या वो दोबारा भी आ सकते हैं? क्या पता, मैंने अपने सब रडार ऑन कर दिए हैं। अगर वो धरती के एयर स्पेस में एंटर भी करेंगे ना, तो मुझे खबर हो जाएगी। ये लोग तो फिर आ गए, भागो! इमली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मम्मी पापा और बाकी सबको बचा लेंगे। दादाजी, मैं चारों तरफ उड़ के पहरा देता हूँ। ओके वीर, अपना ध्यान रखना, मैं अपनी लैब में जाता हूँ। चलो इमली। दादाजी, मैं वीर के साथ रहूंगी। ओके इमली। वीर, वो फिर लैंड कर रहे हैं। लोकेशन फूल चौक। मैं जाके देखता हूँ। वो रहे, चलो चल के देखते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। साइड में छुप जाओ, सामने मत आना। ओके। Fire suit on. Ha ha ha!
बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, अब मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को स्टडी करके तुम जैसे कई रोबोट बनाऊंगा और डॉक्टर प्रेम सहाय कुछ नहीं कर सकता। मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय। तो ये नकली एलियंस का ड्रामा तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था? सही समझे तुम बच्चे, सही समझे। तुम्हारे अंदर एक कमजोरी है कि तुम हर समय अच्छा ही सोचते हो, दूसरों की भलाई की सोचते हो। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें यहाँ ट्रैप कर दिया। दूसरों की भलाई सोचना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसे सुबह तक यहीं लटके रहने दो, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी फिर इसे नीचे उतारेंगे। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। दादाजी दादाजी, वीर कहाँ है? वो एलियंस के पीछे गया था, वीर का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे उसके स्पेसशिप को ट्रैक करके उसे ढूंढना होगा। स्पेसशिप उस डायरेक्शन में है, जल्दी ही मिल जाएगा। ये रहा तुम लोगों का चाय नाश्ता। बॉस, ये आदमी एक छोटे स्पेसशिप से हमारे डेन में घुस के जासूसी कर रहा था। डॉक्टर प्रेम सहाय, वेलकम वेलकम। आखिर तुम्हें मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ा। वीर कहाँ है? वो जहाँ भी है बड़े आराम से है और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं वीर जैसे कई रोबोट बना के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वीर से मिलाओ फौरन। मिलाता हूँ, जल्दी क्या है। जब वो मुझे इस टेबल पे लेटा रहे थे तो मेरे अंदर कुछ पावर बाकी थी और मैंने सुना था कि बॉस बॉस, इस चेन से वीर को बांध देते हैं वरना ये भाग जाएगा। ये इस टेबल से उठा तो ब्लास्ट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। सुन रहे हो वीर, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर अभी इतनी एनर्जी बाकी है कि तुम सुन सकते हो। इस टेबल से उठना मत वरना बम ब्लास्ट हो जाएगा। इमली, मैं इस टेबल से नहीं उतर सकता, मेरे यहाँ से उतरते ही ब्लास्ट हो जाएगा। वीर, तुम्हारे और मेरे वजन में ज्यादा फर्क नहीं, तुम्हारा उतरना जरूरी है। मैं तुम्हारी जगह इस पे लेट जाती हूँ, तुम सबको छुड़ा के फिर मुझे यहाँ से छुड़ा लेना, ठीक है? थैंक्स इमली, तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम किसी भी हाल में इस टेबल से उतरना नहीं। ओके वीर। डॉक्टर प्रेम सहाय, लो देखो अपने वीर को, आज वो कितना बेबस असहाय है और तुम कुछ नहीं कर सकते।
थम्सअप। मैडमैन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अपने हाथ ऊपर कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं मैड मैक्स हूँ, कोई मामूली मुजरिम नहीं जो हाथ ऊपर करके चल दो। नंबर वन, वीर को खत्म कर दो। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। आज तुमको कोई नहीं बचा सकता वीर। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते वीर। Subscribe to WOWKIDZ today.